भले ही देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो और देश भर में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन ग्रामीण भारत में अभी भी ऐसे हजारों ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी आदि के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। इन्हीं ग्राम पंचायतों में से एक चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक का विरसण सेरा है, जहां के ग्रामीणों को आज भी सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बीते कई वर्षों से सड़क की मांग पूरी न होने की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पोखरी में विधायक निवास पर बद्रीनाथ विधायक और पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विगत कई सालों से विरसण सेरा गांव के लिए सड़क मार्ग की मांग की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। ग्रामीणों ने गौचर तोली गौलुंगा गांव से विरसण सेरा और मजियाड़ी चौंडी मोटर मार्ग को जल्द से जल्द बनाए जाने की मांग की है, जिस पर वन विभाग के साथ मीटिंग का आश्वासन दिया गया है। जी, विधायक जी ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे। आज तो वहां कोई आया नहीं था, सोमवार के दिन उन्होंने हमारी दोबारा बैठक करवाने को दी कही है। उन्होंने कहा है कि उस दिन PWD वाले भी आएंगे और फॉरेस्ट गार्ड वाले जो भी होंगे उनसे भी बात करेंगे और सारे आएंगे। आज हम महिलाएं सारी यहाँ पे आई थी। हमारी जो मांग है तोली गैलुंग से बिरसा सिरा होते हुए चौनी मजारी, जहाँ भी वो रोड हमारी, हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है। हम सारे चाहते हैं कि हर जगह रोड है, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। विधायक जी ने चुनाव के टाइम पे कहा था कि 6 महीने के अंदर, जीतने के 6 महीने के बाद वो रोड देंगे, लेकिन वो आज हमें भूल गए हैं। हम सारी महिला मंगल दल की महिलाएँ, हमारे ग्राम प्रधान, चौनी के ग्राम प्रधान सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने विधायक जी के पास अपनी मांग रखी है, तो हमें विश्वास है कि विधायक जी जल्दी से जल्दी हमारी मांग को पूरी करें। इस सड़क मार्ग के संबंध में पूर्व ग्राम प्रधान विरसण सेरा सतेंद्र नेगी का कहना है कि 21वीं सदी में भी विरसण सेरा गांव मोटर मार्ग से वंचित है। देखिए, आज 21वीं सदी जा रही है और विरसण सेरा जो है अभी तक जो है सड़क से वंचित है। वर्ष 2008-09 में माननीय श्री रायन सिंह भंडारी जी द्वारा एक रूट स्वीकृत की थी कानीधार से विरसण सेरा के लिए। भूमि विवाद होने के कारण वो स्वीकृत नहीं हो पाई, वो विवाद वो जो है ठंडे बस्ते में रही। पुनः माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी ने 2013-14 में एक रोड स्वीकृत राजकीय इंटर कॉलेज चौनी से विरसण सेरा रोड स्वीकृत की थी। उसकी पत्रावली अंतिम चरण पे है, उसमें सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। अब विभागीय लापरवाही के कारण जो है वो रोड सड़क जो है अभी तक जो है उस पर फाइनल सर्वे और DPR जो है शासन तक नहीं पहुँची है। अब हम माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के पास इसलिए गुहार लगाने आए थे कि भाई हमें रोड से क्यों वंचित किया जा रहा है। कई जो है सभी जगह लगभग सभी जगह रोड चली गई है। हमारी मातृशक्ति पूरी टीम आज जो है केवल न केवल सड़क के संबंध में जो है आज अपनी मांग रखने के लिए माननीय श्री। वहीं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी का कहना है कि सड़क मार्ग के मामले गंभीर रूप से छाए हुए हैं। सड़क मार्ग अति आवश्यक है, जिसके लिए प्रयास जारी है। मसले हैं गंभीर रूप से छाए हुए हैं। लोगों को यातायात की सुविधा तो मिलनी बहुत ज़रूरी है। हमारा बिरसण सेरा का मामला है, डांडा देवनगर का मामला है, कलसीर डाडो का मामला है और देवी खेत आलीसाल का मामला है। तो कुछ ऐसी सड़कें हैं कि जो लंबित पड़ी हुई है और DPR भी उनकी जमा है, परंतु उत्तराखंड सरकार पैसा देने में हिलावेली कर रही है और जब तक धनराशि उसमें उपलब्ध नहीं होती तब तक वो काम कैसे शुरू हो पाएंगे। DPR सरकार में जमा हो रखी है, तो वित्तीय स्वीकृति मिलना बहुत ज़रूरी था, परंतु वो अभी तक नहीं मिल पाए। आशा कर रहे हैं, क्या पता आगे भविष्य में मिल जाए। बहरहाल विरसण सेरा के लिए गौचर तोली गौलुंग मोटर मार्ग की स्वीकृति शासन की सहमति के बाद ही प्रस्तावित हो पाएगी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के विशेष प्रयास के बिना यह सड़क मार्ग बनाना संभव नहीं है। इस दौरान विरसण सेरा के ग्राम प्रधान जयचंद पवार, पूर्व प्रधान सत्येंद्र नेगी, महिला मंगल दल की महिलाएं, मजियाड़ी गांव के ग्रामीण समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भानु प्रकाश नेगी, हेमवंत प्रदेश न्यूज, पोखरी, चमोली।